हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7, उसमें मैथ चैप्टर नंबर 9 में फ्रेंड्स हमने 9.1 एक्सरसाइज देखी। अभी आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, अभी आगे रेशनल नंबर में कम क्या करेंगे, सो हम एडिशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, एडिशन करना है तो रेशनल नंबर में एडिशन करने से पहले हमें जो हमारी 4 सिम्बल्स है, मैं आपको बता दूँ, उसको आपको याद रखना है कि प्लस इज इक्वल टू प्लस। अगर कोई डिजिट प्लस होगा उसके साथ हम दूसरे प्लस डिजिट को प्लस करेंगे तो आंसर प्लस आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा कोई भी डिजिट। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यानी एक डिजिट माइनस होगा एक डिजिट प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और प्लस माइनस माइनस, यानी एक डिजिट प्लस होगा दूसरा डिजिट माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स एक बार फिर से, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, जो सेम आपको मिल रहा है उसको आपको प्लस करना है, जो डिफरेंट सिंबल है उसको हमें माइनस करना है। उसमें हम एडिशन देखेंगे तो एडिशन में क्या करना है कि हमें एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, बाद में एडिशन मिलेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में सेम ही मेथड है। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लेक्शन, तो मल्टीप्लेक्शन में हमें कोई एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। और डिवीजन में क्या करना है, सो फ्रेंड्स डिवीजन में जो डिवीजन का सिंबल है उसको निकालना है, तो जो डिवीजन के सिंबल के बाजू में जो भी जो नंबर दिए गए हैं, जो भी रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगी, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, वो हम अभी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम। सम हमें फाइंड करना है, पहला है 5/4 प्लस माइनस 11/4। चलिए फ्रेंड्स याद रखिए कि नीचे अगर जो नीचे के डिजिट है, जो डिनोमीटर है वो अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसको हमें पहले सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर 5/4 और 11/4 मैंने आपको बताया, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, 5/4 माइनस 11/4। सो यहाँ पे 11 में से 5 हम निकाल देंगे तो आंसर आएगा 7/4। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़ा डिजिट होगा उसका सिंबल लगेगा, यहाँ बड़ा कौन है, 11 है, इसलिए माइनस की सिंबल लगेगी, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 आंसर आएगा, 11 में से 5 निकालेंगे हम तो 6 होगा। सो यहाँ पे -6/4 आ जाएगा, इसको हम अभी कट करेंगे, सो -3/2 ये हमारा आंसर हुआ। ये भी चलेगा लेकिन कट होता है तो आपको कट करना पड़ेगा, इसलिए -3/2। आगे देखते हैं दूसरा, 5/3 प्लस 3/5। सो 5/3 और 3/5 तो एलसीएम निकलेगा 15। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एलसीएम इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पे हमें नीचे 15 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, सो 25/15। दूसरा है 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 3 9 और 5 3 15, हमें आंसर हमें मिल गया है 25/15 और प्लस 9/15। देखिए यहाँ पे अभी नीचे के न्यूमिनेटर सेम हो गए, 15 15 हो गए। अभी हम क्या करेंगे, 25 को प्लस करेंगे 9 से, तो आंसर होगा 34/15। फ्रेंड यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है इसलिए ये आंसर आ गया। अभी तीसरा, -9/10 प्लस 22/15। सो फ्रेंड्स 15 और 10 का जो हम करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकलेगा 30। आप कर सकते हैं साइड में, अगर एलसीएम किसी को नहीं पता तो ऐसे निकालना हो पड़ेगा। पहले हाँ, पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे स्टार्ट से, तो 2 2 5 10, 15 2 के टेबल में नहीं आएगा इसलिए उसको ऐसे ही रख देना है। उसके बाद 2 के अंदर अभी ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा इसलिए 3 3 और 5 तो उसमें नहीं होगा इसलिए 5 ऐसे ही रख देना है। 3 5 15, अभी 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा इसलिए 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सो 2
3 6 और 6 5 30, तो एलसीएम क्या आया हमारा 30 आया। आगे देखते हैं अभी -10, अभी यहाँ पे 10 को हम कितने के साथ डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, तो 3 के साथ, तो यहाँ पे आंसर होगा -27/30 और 22/50 2/2, क्योंकि 15 2 30, सो यहाँ पे 30, यहाँ पे 44, सो 27 + 44 30 30, सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस प्लस माइनस होगा, 44 में से हम 17 निकाल देंगे, सो आंसर आएगा 17। लेकिन कैसे 17 प्लस 17, क्योंकि 44 है बड़े है इसलिए 17/13, आंसर क्या आया 17/13। अभी आगे -3/-11 + 5/9, सो फ्रेंड्स हमने आगे पढ़ा देखा था कि दोनों सिंबल अगर माइनस माइनस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/11 + 5/9, एलसीएम क्या होगा हमारा 99 होगा, सो 3/11 × 9/9, सो 99, यहाँ पे मैं साइड में लिख दूँ LCM इज इक्वल टू 99, 11 9 99 और 3 9 27, उसके बाद 5/9 प्लस यहाँ पे 11 करना पड़ेगा, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई की सिंबल है 55/99, सो यहाँ पे 27 + 55/99 ऐसा आंसर होगा, यानी कि 27 को 55 के साथ हम प्लस करेंगे तो आंसर होगा 82/99, इसमें कोई कट नहीं होगा इसलिए यही आंसर आ जाएगा। अभी आगे देखते हैं -8/9 + -2/57, सो 9 और 57 का हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 19 है, सो 19 और 57, सो एलसीएम फ्रेंड्स आप निकालोगे तो इसका एलसीएम होगा 57, क्या होगा 57, सो -8/9 19 3 57 होगा, इसलिए -24/57, सो यहाँ पे ऐसा होगा -24/57 + -2 57, ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस माइनस कैसा होगा, माइनस होगा -24/56 - 2/57, यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 + 2 = 26/57, लेकिन कैसे हो गए माइनस 26/57। आगे है -2/3 + 0, -2/3 को प्लस 0 के साथ फ्रेंड्स आप प्लस करेंगे तो आंसर 2/3 ही आएगा, 0 के साथ को किसी का भी प्लस करेंगे तो आंसर सेम ही आता है। उसके बाद -2/1/3 + 4/3/5, सो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 6 और 7, सो -7/3 + 5 4 20 20 + 3 = 25/3, सो फ्रेंड्स इसका जो एलसीएम होगा वो 15 होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 15, तो हमें यहाँ पे 15 नीचे लाना है इसलिए इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -35/15, और इसको 23 है 23/5, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 15 और 23 3 61। आगे देखते हैं -35/15 + 61/15, अभी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 61 में से हम 35 निकालेंगे तो आंसर आएगा 34/15, जो बड़ा है वो 61 है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला 7/25 - 17 और 36, अभी माइनस करना है,
सेम प्रोसेस, पहले एलसीएम निकालिए, अगर जो नीचे वाले डिजिट है सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो 72 आएगा, याद रखिएगा प्लेन्स, एलसीएम है वो 72 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको मैंने आगे सिखाया, वैसे आप निकाल सकते हैं। तो 72 सेवन अपॉन 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 72 आएगा। तो 24 थ्री जा ऊपर भी 21 अपॉन 72, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा 36 टू जा 72 और 72 जा 34, सो 21 अपॉन 72 माइनस 34 अपॉन 72, सो 34 में से हम 21 अगर निकाल दीजिए तो आंसर होगा 30, आंसर इज माइनस 13 अपॉन 72। चलिए आगे, 5 अपॉन 63 माइनस माइनस 6 अपॉन 21, ऐसा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो होगा 63, एलसीएम क्या होगा देखिए आप निकाल सकते हैं, 63 होगा। तो यहाँ पे 5 अपॉन 63 तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दूसरा हमें ढूंढना है, साथ साथ ढूंढ लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 थ्री जा 63 हो जाएगा, 5 अपॉन 63 माइनस 6 थ्री जा 18, यहाँ पे 63। अभी देखिए फ्रेंड्स, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, 23 अपॉन 63, लेकिन कैसे हो गए फ्रेंड्स, माइनस होंगे 23 अपॉन 63। आगे माइनस 6 13 माइनस माइनस 7 अपॉन 15, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम होगा 195। आप एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 195 माइनस 6 अपॉन 13। सो फ्रेंड्स, हम मल्टीप्लाई करोगे आप 13 को 15 के साथ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 195 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 अपॉन 15। अभी हम 13 को 15 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125, यानी कि माइनस 6 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 15, सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 19 अपॉन 195, और 7 अपॉन 15 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13 7 जा 91 और 195, ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, माइनस 90 अपॉन 195 प्लस 191 195, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 195। 91 में से आप 90 हम माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, कैसा 1 है वो प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है इसलिए। आगे माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 11, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम होगा वो 88 होगा, क्योंकि 80 एलसीएम इज इक्वल टू 88, क्योंकि 11 8 जा 88, सो माइनस 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 11, सो माइनस 33 अपॉन 88। दूसरा है 7 अपॉन 11, सो मल्टीप्लाई 8 अपॉन 8, 7 56 अपॉन 88, सो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 33 माइनस 56 अपॉन 88, सो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, सो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, इसलिए आंसर आएगा माइनस 89 अपॉन 88। 33 56 में हम 33 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 89। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है माइनस 21 अपॉन 9 माइनस 6, 9 टू जा 18, 18 और 119, सो 19 अपॉन यहाँ पे 9, और यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, 9 करना पड़ेगा,
सो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 19 अपॉन 9, यहाँ पे 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 9, सो 19 माइनस है अपॉन 9 माइनस 6, 9 जा 54, यहाँ पे 9 माइनस प्लस माइनस, सो आंसर आएगा 54 प्लस 19, सो 73। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पहला 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 4। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर कट होता है तो करना है, इधर सामना सामने के साइड हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, ये आंसर आ गए। दूसरा 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई माइनस 9, जो फ्रेंड्स 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस 9 कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 9 जा 27, सो माइनस 27 अपॉन 10, ये दूसरे का आंसर। तीसरा माइनस 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11, सो आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं 6 9 जा 63 और यहाँ पे 55, ये हमारा आंसर। उसके बाद 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5, 2 3 जा माइनस 6 और यहाँ पे 7 5 जा 35, ये आंसर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको कर देना है 3 अपॉन 11 और 2 अपॉन 5, 2 3 जा 6, 11 5 जा 15। उसके बाद 3 अपॉन माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस अपॉन माइनस 3, पहले आप कट भी कर सकते हैं, अगर कट नहीं करना है तो डायरेक्ट 3 5 जा यहाँ पे माइनस 15 और यहाँ पे 3 5 जा माइनस 15, सो आंसर आएगा 1, प्लस 1 आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पहला अभी डिवाइड करना है, सो माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, सो माइनस 4 यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, अभी ये डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई क्या हमें सिंबल लगा देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है और इसको हमें इन्वर्स करना है, 3 है ऊपर चले जाएंगे, 2 है वो नीचे आ जाएंगे, 3 अपॉन 2 ऐसा हो गया। यहाँ पे 4 3 जा माइनस 12 अपॉन 2 1 जा 2, अभी यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 6 या फिर 6 अपॉन 1, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखिए माइनस 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, अभी इसको सिंबल को हटा देते हैं, सो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3, 1 जा माइनस 3 और 5 यहाँ पे 2 जा 10, आंसर आ गया। माइनस 4 अपॉन 5 डिवाइडेड माइनस 3, तो माइनस 4 अपॉन 5 यहाँ पे डिवाइडेड, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस 3, सो आंसर आ जाएगा 4 1 जा माइनस 4 और 5 3 जा माइनस 15। आगे बढ़ते हैं माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड 3 अपॉन 4, सो माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, 4 1 जा माइनस 4, 4 3 जा यहाँ पे 12, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आंसर इज माइनस 2 अपॉन 6, अभी 2 3 जा 2 3 जा भी 6 है इसलिए आंसर ऐसा आएगा माइनस 1 अपॉन 3। जितना कट हो सके उतना आपको करना है, माइनस 2 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 7, सो अभी सिंबल को चेंज कर लेते हैं, माइनस 2 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सो 2 7 जा 14 और यहाँ पे 30 1 जा 30, ये आंसर आ गया।
उसके बाद माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व डिवाइडेड बाय माइनस टू अपॉन थर्टीन, अभी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सेवन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई थर्टीन अपॉन माइनस टू। सो यहाँ पे थर्टीन सेवन ज़ा 91 माइनस और ट्वेल्व टू ज़ा 14 24 सॉरी। उसके बाद 3 अपॉन 30 डिवाइडेड बाय माइनस 4 अपॉन 65। सो आंसर ऐसा आ जाएगा 3 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 65 अपॉन 4 लेकिन माइनस 4। देखिए यहाँ पे कट हो सकता है फ्रेंड्स, अगर हम कट करेंगे 13 फाइव ज़ा तो हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, 3 फाइव ज़ा 15, यहाँ पे माइनस 4 ये आंसर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 9.2 कंप्लीट कर लिया और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा, थैंक यू।